खबरदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में फिलहाल 149 मुंब्रा कलवा विधानसभा चुनाव क्षेत्र एक खास कारण के लिए चर्चा में बना हुआ है। आप सभी को जैसे पता होगा, मुंब्रा कौसा में कोकनी मुस्लिम समाज की एक बेहद बड़ी आबादी है और इसी आबादी में छाने से महायुति के एनसीपी अजीत पवार गुट के उम्मीदवार आए नजीब मुंडा। तो तब से जो है एक अलग सा जो है थोड़ा माहौल, थोड़ी अलग चर्चाएं, थोड़ा अलग दर्शाना अपने आप को, ऐसे बहुत सारे राजनीतिक प्रयास सामने आए। उन प्रयासों में एक बड़ा प्रयास था 10 नवंबर को कौसा शिमला पार्क में नूरबाग हॉल पर मिलापे कोकन नाम का जो कार्यक्रम हुआ वो हमने आपको दिखाया। उसमें मौलाना आजाद विकास महामंडल के मुश्ताक अंतुले साहब आए थे, उनके जितने ऑर्गेनाइजर्स थे उन सबसे भी हमारी बात हुई, वो दोनों खबरें हमने आपको बताई। मुश्ताक अंतुले साहब का इंटरव्यू करके हमने आपको बताया, जिसमें हमारे सवालात उनसे थे कि भाजपा के साथ बैठ करके आप मुस्लिम विरोधी नीतियों को कैसा रोक सकते हैं। तो जवाब आपको क्या है क्या नहीं वो आपने सुना है हमारे चैनल पर। तो आज 12 नवंबर को कौसा खड़ी मशीन रोड पर डायमंड हॉल में यहाँ पर कोकन मेलावा हुआ है और ये कोकन मेलावा इन्हीं लोगों ने जो है आयोजित किया था, जिसमें हमारे कौसा मोबरा के कोकनी मुस्लिम समाज की एक बहुत ही बड़ी शख्सियत, इस समाज के लिए और सभी मुसलमानों के लिए अक्सर काम करने वाले दाऊ चौगले साहब, और अपनी एक राजनीतिक पारी खेल करके फिर एक बार मैदान में आने वाले हशमत परकार, और अपनी सामाजिक खिदमतों को अंजाम देने वाले जाकिर साबले भाई, ये तमाम वो लोग हैं जितने बाकी के लोग हैं। मुफ्ती साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो सभी के नाम मुझे पता नहीं है। तो इस कोकन मेलावे में प्रमुख अतिथि के तौर पर आए थे इंडिया अलायंस के उम्मीदवार तुतारी वाले जितेंद्र अवार। तो क्या है इस पूरा दो कोकनी गुट नजर आ रहे, 10 नवंबर वाला एक, 12 नवंबर वाला एक, तो ताकत किसकी ज्यादा, ताकत किसकी कम, राजनीतिक तौर पर समर्थन किसको ज्यादा किसको कम, बात करते हैं। दाऊद भाई क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर, इसका मकसद क्या था? सबसे पहले मैं आपका मशहूर हूँ, ममनून हूँ कि आपने मुझे मौका दिया ये वॉइस देने के लिए। मैं बताना चाहता हूँ कि 2009, 2014, 2019 ये तीन जो इलेक्शन अवार्ड साहब के, उनको हम लोगों ने हमेशा कोकन की ताकत और कोकन का समर्थन देने की बात की और हमेशा किया है। 2014 के समर्थन में जो प्रोग्राम नूरबाग में हुआ था वो भी इससे ज़्यादा फुल पैक था। उसमें छाती ठोके उन्होंने कहा था कि मैं अभी वादा करता हूँ कि यार मैं, मुझे उम्मीद है कि मैं 50,000 वोट से जीतूंगा। उस वक्त 47,000 वोट से जीते थे अब, लेकिन ये इलेक्शन इतना इम्पोर्टेंट है। पहले ये इलेक्शन का इम्पोर्टेंस ये है कि हम चाहते कि मैंने NDA वाले जो है ना वो कहीं भी नहीं जीते, कि NDA जीते इसका मतलब है कि BJP को सपोर्ट है। और आज जो नजीब मुल्ला जो कि जितेंद्र रावत के गुरु है ना, तो उस दिन एक मेरे ख्याल से नजीब मुल्ला की रैली निकली, उसमें दो लड़के बता रहे थे कि जो अपने गुरु का नहीं हो सकता वो हमारे खिदमत क्या करेगा, समझे कि नहीं। और हम ये चाहते हैं कि वो कैसा भी हो, जो आदमी 20 साल अगर रावड़ी में रहते हुए अगर अपने रावड़ी को छोटे इलाकों को कुछ नहीं कर सकता, उसकी तरक्की नहीं करता, तो इतने बड़े इलाके का क्या करेगा। और अवार्ड साहब में 2009 से आने के बाद आज तक जितना भी डेवलपमेंट हम देख रहे हैं वो अवार्ड साहब की तरफ से हुआ है। और हमेशा एक मैंने एक इतनी खास बात, एक कोई भी आमदार जीतने के बाद कभी पब्लिक रास्ते में नहीं रहा है, लेकिन 2009 से जितेंद्र अवार्ड जो है हमेशा आम लोगों के रास्ते में रहे, ये उनकी खसूसियत है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी ताकत उनको बता रहा था, और उम्मीद है अल्लाह की दास से कि कौसा मुंब्रा के कोकन के सभी लोग है ना वो नजीब मतलब कहता कि BJP को वोट न देते हुए तुतारी को वोट देंगे। अवार्ड साहब की जीत 110% इस साल भी अवार्ड साहब की जीत होने वाली, इसीलिए हमने ये प्रोग्राम किया। हशमत भाई क्या कहना चाहिए? भाई सबसे पहले आप 10 तारीख का प्रोग्राम देखिए, आज का प्रोग्राम देखिए। आज अगर आप फोटो देखोगे दोनों प्रोग्राम के, तो माशाल्लाह एक एक कोकनी बैठा हुआ था, कोई पैसे से लाया नहीं गया था। 10 तारीख का आप प्रोग्राम देखेंगे, जो लेडीज बैठी थी 300-300 वाली, 300 रुपये में जो आजकल भीड़ इलेक्शन के लिए आती है वो भीड़ थी। आज प्योर टोटल कोकनी, किसी को कोई ये नहीं है, जो कोकन के इलाके के सब आदमी यहाँ मौजूद थे। और आज तमाम कोकनियों ने अवार्ड साहब को समर्थन का आपके सामने ऐलान किया हुआ है, माशाल्लाह। देखो एक बात, नजीब मुल्ला साहब जो अपने आप को कोकनी बता रहे, पहली बात तो कोकनी नहीं है ये, आप इस बात को समझ लो। क्या बात कर रहा है? वो सातारा के मुल्ला है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, वो कोकनी नहीं है, उनकी अम्मी जान कोकनी, वो कोकनी नहीं है। रही दूसरी बात, कोकन के लोगों को जिस तरीके से वर्गलाया जा रहा था, जिस तरीके से एक तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा था, एक कोकनी हम उसको अपना है, अपना वोट देंगे,
वही हम लोगों कोंकण के लोगों को बता रहा है, ये अपना नहीं है, हमारा इससे कोई संबंध ही नहीं है। एक मुसलमान है ठीक है, वो नमाज रोजे इसमें ठीक है, राजनीति में मुसलमान हिंदू की क्या बात है? जो हमारे विकास का काम करे, जो हमारे लिए खड़ा रहे, वो है हमारा। ये तो राबोड़ी से कभी आते, अभी तो 3 महीने में आना शुरू कर दिया और हमको ढकेल दिया था, बोले इसका काम करो, किसका खासदार का, अपना श्रीकांत शिंदे का काम करो। हम उसके साथ में थे, हमको हमारी ऐसी कोई मजबूरी की वजह से हम उनके साथ गए थे, तो उन्होंने हमको ढकेल दिया था श्रीकांत शिंदे का काम करने के लिए, हमसे वो भी करवाया उन्होंने। और इन मैं जो मेरे साथी जो इनके साथ में है, मेरे भाई इस मुमरा कौसा के बड़े बड़े लीडर, मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा कि ये आदमी को संभालो। ये आदमी वो आदमी है जो कल इलेक्शन में आपको बांटने के लिए पैसे देगा और परसों आपको बदनाम करेगा कि मेरे पैसे खा गए। ये आदमी वो है, इसको संभालो। मैं आपसे आपके जरिए आपके माध्यम के जरिए सब लोगों को जो अपने लोग हैं अपने भाई हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस आदमी को संभालो। जाकिर भाई क्या कहना चाहेंगे, उस प्रोग्राम में आप पर और दाऊद भाई पर तनकीद भी हुई थी। देखो आपने देखे होंगे रफीक भाई कि इससे पहले जितने भी इलेक्शन हुए, हमारा मंशा ये रहता है कि कोई भी अच्छा आदमी सेक्युलर आदमी इस शहर में सियासत करे और वो हमारा लीडर बन के चले जाए। हमारी हमेशा की नियत और हमारा तरीक़ेकार हमेशा का यही रहता है। तो ये जो ऐसे टिप्पणियाँ जो होती है उसको हम ऐसा हवा में उड़ा देते हैं कि हमको मालूम ही नहीं पड़ा और हम इसकी परवाह ही नहीं करते, क्योंकि हम कौम के लिए काम करना जानते हैं, चाहते हैं। और आपने देखा होगा कि हम सियासत को रुक देने के लिए कभी भी आए हैं, सियासत हमने इस शहर में आगे चलकर न की है और न सियासत में आने वाले लोग हैं। भाईजान क्या कहना चाहिए? मेरा ताल्लुक कोकण से ही है और जहाँ तक सब लोग बोलते हैं कि मुमरा में कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, तो जो कुछ मुमरा में जितन गावार साहब ने किया हम लोगों ने खुद देखे हुए और हम लोग सब यही चाहते हैं कि जिन्होंने हम अपने काम के आगे भी अपने काम कर रहे और एमएलए होने के बाद भी आज वो हम लोग आवाम से टच में है तो और सेकुलर पर है, तो हम लोग चाहते हैं कि सब लोग जितेंद्र अवार्ड को वोट देके ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से उनको जिताए, यही हमारी। इस प्रोग्राम में मुफ्ती साहब की एक लंबी तकरीर हुई थी, मैं आधी तकरीर में पहुंचा था। मुफ्ती साहब सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपना तारुफ दें ताकि लोग जान सके कि कौन बोल रहा है। असल में मेरा नाम है शब्बीर अब्दुल करीम ताम है, मैं जो रत्नागिरी का एक तालुका एक खेड़ उसमें एक जो गांव है खेड़जी वहाँ का रहने वाला हूँ। असल में आज जो इलेक्शन जो फिलहाल चल रहे हैं वो जो है बड़े अहमियत के हामिल है और उसके बड़े जो है दूरस नतज और असरात मरतब होगी, इसलिए जो है हम तमामों की जिम्मेदारी है कि हम ऐसे उम्मीदवार और ऐसे जो पार्टी को वोट दें जो है मुल्क के हक में और रियासत के हक में जो बेहतर हो और तमाम समाज और तमाम कौम और तमाम मजहब को साथ में लेकर जाने वाली। क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं गुलाम परकर खेड़ रत्नागिरी से, मैं करजी गांव का उप सरपंच हूँ और जैसा कि आपके सामने तारुफ पेश किया गया, हमारे अल फुरकान वेलफेयर ट्रस्ट है उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो यहाँ आने का मकसद यही एक ही था कि हमारे कोकनी भाइयों के अंदर बेदारी पैदा की जाए, क्योंकि तो वो बेदारी जितेंद्र अवार्ड के लिए क्यों नहीं, जी मुल्ला के लिए क्यों नहीं? हाँ ये बात हमने दोनों को बहुत इससे देखा है, यानी काफ़ी हद तक, और दोनों के काम भी देखे हैं। तो जितेंद्र अवार्ड साहब का मैं पहले ही मुमरा में रहता था, जितेंद्र अवार्ड साहब के काम को मैं पहले से देखते आया हूँ। आज बहुत दिनों के बाद मैं मुमरा आया तो मुमरा इतना तरक्की मुमरा की हो चुकी है, देख के दिल खुश हो गया। इसके लिए मैं खुसूसन तमाम अहलियाने मुमरा से यही दरख्वास्त करूँगा कि अपना कीमती वोट जितेंद्र अहवाड साहब को दें और उन्हें भारी अक्सरियत से जिताएं, और यही बात लोगों तक पहुँचाने के लिए मैं कोकण से यहाँ आया हूँ। वरना मैं न राष्ट्रवादी का हूँ न शिवसेना का, मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी एक फ़र्ज़ था जिसको मैं निभाने के लिए लोगों तक पैगाम पहुँचाने के लिए आया हूँ मैं, बस। क्या नाम है आपका? जलाल राजपुरकर। जलाल भाई आप मुमरा में ही रहते हैं या कोकण में रहते हैं? ना मैं कोकण में रहता हूँ। तो खास आज इस कार्यक्रम में आने की वजह क्या? या मैं और जितेंद्र अवार्ड हम लोग युवक कांग्रेस के साथ एक साथ काम करते थे। अच्छा। जब भी से मैं उनको जानता हूँ, एक जो डेवलपमेंट उनके दिमाग में जो रहता है वही हिसाब से वो काम करते हैं। जो दोनों को मैंने
करीब से देखा है, जब नजीब मुल्ला और जितेंद्र अवार्ड। लेकिन जितेंद्र अवार्ड का जो काम करने का तरीका है, लोगों को पास पहुंचने का तरीका है, वो लोगों के सामने जाते हैं, पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक में जाके जब भी लोगों को ज़रूरत रहती है वो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ के जो मुमरा के जो हमारे कोकणी लोग हैं उनके लिए मैं कहने के लिए आया हूँ कि ऐसा एक आदमी है जो रात के 12 बजे भी आपको कभी 2 बजे भी अवेलेबल हो सकता है, तो उसके लिए आप वोट कीजिए। ये थी हमारी 12 नवंबर कौसा खड़ी मशीन रोड से डायमंड हॉल में जो कोकण मेलावा आयोजित किया गया था, उनके आयोजकों से बातचीत और क्या उन्होंने अपनी बातें रखी है। 10 नवंबर का एक मिलापे कोकण, 12 नवंबर का कोकण मेलावा। अब तय करना है कोकणी मुस्लिम समाज को कि इनमें से और उनमें से किसकी सुनना है किसकी नहीं सुनना।